फैमिली में बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत ही अच्छी हैं और मैं उन्हें पाँच छः साल से जानती हूँ. मुझे मैं जानती हूँ कितना मुश्किल है एक एक्ट्रेस बनना और एक सुपरस्टार बनना, एक और एक फैमिली को भी मतलब यू नो संभालना बहुत मुश्किल है ये सब. लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से करती हैं और बहुत मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. सो आई थिंक शी इज़ वंडरफुल. नोटिस नहीं किया है, शायद आपको भाई से पूछना चाहिए चेंजेस है यानी. लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, आई थिंक दैट वो पहले से ही बहुत ही मतलब जैसे वो मतलब हैं अंदर से, वो सब कुछ मतलब काफ़ी नेचुरल है. वो कुछ छुपाती नहीं है और बहुत ही कैजुअल है हमारे साथ. वो हमेशा मतलब भाई थोड़े से मतलब भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने डिनर का प्लान बनाया या नहीं, लेकिन वो याद रखती हैं. जब अम्मा हमारे साथ आती हैं, मुंबई आती हैं हमें विजिट करने, तो करीना हमेशा एक प्लान बनाती है मिलने के लिए, डिनर विनर. तो शी इज़ वेरी गुड टाइप. मेरे लिए पर्सनल मुझे लगा कि शादी जो एक प्रॉमिस है दो जन के बीच, वो प्रॉमिस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. तो ये जो सर्टिफिकेट मुझे मिलेगी या जब रजिस्ट्रेशन अगर होगी तो हम करेंगे, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंजेस होंगे. उत्तराखंड जो है फिल्म इंडस्ट्री से अगर बात की जाए तो बहुत पीछे लगता है. क्या कमी मानते हैं आप यहाँ पे कि किस तरह की कमी है और क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? मैं तो आप किससे पूछ रही है सवाल, मुझे कैसे मालूम है. मैं तो अभिनेत्री हूँ, मैं शूट कर चुकी हूँ रानीखेत में, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा. आई एम श्योर दैट लॉट्स ऑफ पीपल कम टू शूट. एक्चुअली हमारी जो अगली फिल्म है वो भी हम हरिद्वार में शूट करने वाले हैं. बहुत सारी फिल्म वहाँ पे भी ऑलरेडी शूट कर चुके हैं. मुझे फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी. होटल्स हैं, रहने की जगह है, इंतज़ाम है, लोग बहुत अच्छे हैं. रिव्यूज़ बहुत बुरी निकलती है तो बहुत बुरा लगता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे. आई थिंक दैट ये पब्लिक एग्ज़ाम की तरह होता है, मतलब पूरी दुनिया देखती है और लोग अखबारों में लिखते हैं अपने पर्सनल ओपिनियन फॉरवर्ड आते हैं, तो ये हमेशा के लिए रहता है. ऐसा नहीं कि थिएटर पर आया गया, DVD रहते हैं और TV पर बार बार आते हैं, तो इट्स देयर फॉर एवर. तो हम चाहते हैं ऑब्वियसली कि यू गिव योर बेस्ट.